एक बहुत बड़ा शब्द है निर्णय, उसको आम भाषा में फैसला भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिसीजन भी कहते हैं। इसको शब्दांतर से निश्चय भी कहते हैं और संस्कृत में इसके लिए बहुत बड़ा शब्द है संकल्प। निर्णय भी संस्कृत का ही शब्द है, संकल्प बहुत ऊंचा शब्द है। हमें जीवन में कुछ ऐसे संकल्प लेने चाहिए, कुछ जीवन में ऐसे बड़े निर्णय लेने चाहिए, कुछ ऐसे बड़े फैसले करने चाहिए, कुछ हमें डिसीजंस लेने चाहिए ऐसे। और उन निर्णयों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ निर्णयों का प्रभाव तत्काल पड़ता है, कुछ निर्णयों का प्रभाव 5, 10, 20, 25, 50 साल के बाद पड़ता है। अब मैं पहले तो निर्णय की बात कहता हूँ और इसके बाद इसके साथ जो जुड़ी हुई 5, 10, 20, 25, 50 सालों के जो प्रभाव उनकी भी समीक्षा करता हूँ। तो एक तो निर्णय जीवन में बहुत सोच समझ करके लेने चाहिए और निर्णय लेने चाहिए। कुछ लोग निर्णय लेते ही नहीं हैं और लेते हैं तो सही नहीं लेते और बड़े निर्णय लेने का साहस नहीं कर पाते। खैर, निर्णय बोलो, फैसला बोलो, डिसीजन बोलो, संकल्प बोलो, निश्चय बोलो, एक ही बात है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, इसी से जुड़ी हुई है कि एक बार जब हमको निर्णय ले लें, और बड़ा निर्णय तो एक होता ही है कि करना या नहीं करना, यही तो निर्णय का मूल होता है, ये करना ये नहीं करना, ऐसे करना ऐसे नहीं करना। फिर जो निर्णय ले लें फिर उस पर अडिग रहें, इसको बोलते हैं अखंड निष्ठा, अटल अविचलित संकल्प निर्णय। और उस निर्णय को पूरे जीवन भर निभाने का एक जो है निष्ठापूर्वक उसके निर्वहन का। और एक तीसरी जो खास बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों में ना उलझे। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए जीना ये तो जीवन का अनादर अपमान है। जीवन में निर्णय कीजिए कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, ऐसा नहीं जीना, ये करना है ये नहीं करना, और अपने बच्चों को भी ऐसा ही सिखाइए। फिर एक बार जो निर्णय लिया उस पर डटे रहें। फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक रूप से जो आप पाना चाहते हैं जीवन में वो आप पा सकेंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके निर्णय के ऊपर। निर्णय करें और उस पर अडिग रहें। मैं अब अपने निर्णय को आपको बता देता हूँ। हमने भी इन 50 सालों की इस यात्रा में जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिंदगी के जिस भी पायदान पर, जिंदगी के इस सोपान पर, जिन सीढ़ियों तक आज हम चढ़े, हमने निर्णय लिए, उन पर अडिग रहे, जो करना था उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं और जो नहीं करना था वो किसी भी कीमत पर किया नहीं। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे दुनिया का साम्राज्य आपके सामने पड़ा हो, लेकिन आपको जो आपकी मर्यादा है, आपका नियम है, आपका निर्णय है, आपका संकल्प है, आपने फैसला कर रखा है कि मुझे नहीं करना, तो वो सारी दुनिया का साम्राज्य आप ठुकरा सकें, और चाहे दुनिया की सारी संपत्ति के साथ साथ सारी दुनिया की विपत्ति आपके सामने हो और तब आपको लगे कि मुझे इधर कदम आगे बढ़ाना है, चाहे मरना मंजूर है, मौत चाहे स्वीकारी है, लेकिन उस पथ से डिगना नहीं है। उसको वेद पथ कहो, सत्य धर्म न्याय का पथ कहो, आत्मा का पथ कहो, कल्याण का पथ कहो, सेवा का पथ कहो, साधना का पथ कहो, पुरुषार्थ परमार्थ का पथ कहो, उससे विचलित नहीं होना। खैर, अब आगे 50 वर्षों के लिए भी हमने कुछ बड़े निर्णय लिए हुए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें छोटे बच्चों से लेकर के
बाल गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, फिर आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, शिक्षा का लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, वेदों का ज्ञान विज्ञान और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का एक ऐसा समन्वय करके, ऐसे महामानव, ऐसे दिव्य मानव, ऐसे डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन, ऐसे कुशल व्यक्तित्व, ऐसे दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व को हमें तैयार करना है जो युगों युगों तक इस भारत यानी पूरे विश्व के सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य के लिए, विश्व की शांति के लिए प्रयत्न करते रहे, विश्व के स्वास्थ्य की सोचे, विश्व की समृद्धि की सोचे, विश्व में सबको कैसे जीवन में विजय मिले, सफलता मिले, ऐश्वर्य मिले, ऐसे सोचने वाले, ऐसे जीने वाले लोग तैयार हों। खैर, तो एक तो शिक्षा का संकल्प हमारा, ऐसे स्वास्थ्य का संकल्प है कि सबको स्वस्थ बनाना है। आज भगवान के अनुग्रह से आप करोड़ों देशवासियों के सहयोग से, आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी दुआओं से, आपके आशीषों से आज हम इतने समर्थ बने हैं कि लाखों करोड़ों लोगों की शिक्षा, लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य, उनके स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, उनकी रोजी रोटी के बारे में, उनकी आत्मनिर्भरता के बारे में हम सोच सकते हैं और कर सकते हैं, ऐसा आपने हमको समर्थ बनाया। तो जैसे हमने ये निर्णय लिए हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सबकी समृद्धि के, सबकी सेवा के, वेद धर्म की, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हमने निर्णय लिए कि पूरी दुनिया में इस वेद धर्म की प्रतिष्ठा करनी है। 50 से 100, वैसे 200 देश हैं पूरी दुनिया के, लेकिन 50 से 100 देशों में आने वाले 50 सालों में पतंजलि की प्रतिष्ठा, वेदों की प्रतिष्ठा, भारत भारतीयता की प्रतिष्ठा, सत्य धर्म न्याय की प्रतिष्ठा, सनातन मूल्यों की प्रतिष्ठा, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने कहा कि आप भी अपने जीवन में ऐसे कुछ बड़े निर्णय ले लीजिए, अपने बच्चों को भी इसी तरह से सिखाइए। और अंत में मैं कहूँगा कि ये जो इतने बड़े बड़े कार्य जो हम पिछले 25 वर्षों में करने में समर्थ हो पाए, 25 वर्ष तो हमने तैयारी की, स्वयं को तैयार किया, और पिछले इन 25 वर्षों में जो हम इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए विश्व पटल पर, इसमें निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका थी।